सो गाइस, आज के दिन अदानी पावर के अंदर लगभग 5% का लोअर सर्किट लग चुका है और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है क्यों अदानी पावर के अंदर आज के दिन लोअर सर्किट लग गया है। तो हम लोग रीज़न के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बताएंगे कि कितने हद तक ये अदानी पावर शेयर गिर भी सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा एक महीने के अंदर लगभग 22% का तेजी दिखा दिया है। अगर हम लोग एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर लगभग 2 गुना का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, मगर अभी ये स्टॉक के अंदर थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है क्योंकि अदानी पावर के अंदर अभी एक और बहुत बड़ा झटका आ गया है। जी हाँ गाइस, पावर मिनिस्ट्री ने अभी बोल दिया है कि 81 थर्मल यूनिट जो भी है उनको अभी कोल से रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना होगा 2026 के अंदर। 2026 के अंदर ये पूरा का पूरा जो भी 81 थर्मल यूनिट्स है उनको कोल से रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा और इस 81 थर्मल यूनिट में से बहुत सारा थर्मल यूनिट अदानी पावर का भी है। जी हाँ गाइस, अभी थर्मल यूनिट के अंदर लगभग टाटा पावर के भी बहुत सारा थर्मल यूनिट है, अदानी पावर का भी है, NCESC और ऑल्सो हिंदुस्तान पावर का भी बहुत सारा थर्मल यूनिट है। तो अगर ये थर्मल यूनिट को कोल बेस्ड पावर जनरेशन को अगर रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा तो फिर अदानी पावर, टाटा पावर, इन सारे पावर स्टॉक को बहुत सारा जो भी इन्वेस्ट करना होगा और माल मटेरियल भी खरीदना होगा। इसके वजह से जो इफेक्ट होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट बहुत सारा होगा और उसके वजह से अभी अदानी पावर के अंदर बहुत सारा गिरावट देखने को मिला है। अगर हम लोग नीचे आए थोड़ा सा तो मिनिस्ट्री ने जो भी बोला है उनका एक अभी स्टेटमेंट आया है जिसमें कि मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो इंडिया कंट्री अभी 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कर देगा 2030 के अंदर, 2030 के अंदर पूरा का पूरा 500 गीगावाट सप्लाई अभी रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। और अभी मोदी का एम है कि नेट कार्बन जीरो इकोनॉमी 2070 यानी कि 2070 के अंदर पूरा का पूरा देश को नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बनाने का कोशिश करेगा मोदी जी ने। और साथ ही साथ गाइस 2030 के अंदर 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करने वाला है। ये जो ह्यूज स्टेप ले रहा है मोदी जी ने, उस ह्यूज स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए अभी अदानी पावर, टाटा पावर जैसे जो भी अभी कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन है उनको अभी रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा और इसके वजह से थोड़ा थोड़ा करके कार्बन एमिशन एंड ऑल्सो अभी जो कार्बन एमिशन का जो भी डाटा आएगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे आ चुके हैं और टेक्निकल एनालिसिस पे आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा ये स्टॉक अभी भी 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा एंड ऑल्सो 200 डेमा के ऊपर ही चल रहा है, मगर अभी थोड़ा थोड़ा करके कूल ऑफ करके ये जो लेवल है लगभग 309 रुपीज़ से लेकर ये 296 रुपीज़ के आसपास, ये लेवल के आसपास आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके गिरावट होकर ये 310 रुपीज़ के आसपास आएगा। अगर इसमें सपोर्ट लेता है तो फिर से बाउंस बैक का उम्मीद भी हमको दिख सकता है, मगर ये जो सर्किट वाला स्टॉक है इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मगर आप यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने डाला है, ये जो एक लाइन डाला है 310 रुपीज़ के आसपास, इसको आप ज़रूर याद के रखना और ये जो लाइन डाला है लगभग 296 रुपीज़ के आसपास, ये लाइन को भी याद करके रखना। ये दो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है, ये दो अगर टूट देता है तो फिर से बहुत बड़ा गिरावट होगा और 250 रुपीज़ के आसपास भी ये स्टॉक गिर भी सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर हमारा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में अदानी पावर रिलेटेड और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।